हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल राइटिंग। तो अभी तक हमने देखा है कि आपको पहले एक लाइन हिंदी की और एक लाइन अंग्रेजी, किस प्रकार से आपको आर्टिकल लिखने बताए थे, हमने शुरू किया था। इसके साथ साथ ही आपको मैंने पहले बता दिया था कि जितने भी जो आर्टिकल्स हम लिखते हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि जितने भी जो इश्यूज़ हैं आर्टिकल्स के ऊपर लिखे जाने वाले वो प्रेजेंट से ही रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट टेंस से ही, वर्तमान से ही संबंध रखते हैं। तो इसी के अंतर्गत चलते हुए हम लिख रहे हैं एक अगला आर्टिकल, जो कि है फीमेल फर्टिसाइड, यानी कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है, कन्या भ्रूण हत्या। आए दिन हम समाचारों में और इसके साथ साथ ही जगह जगह टीवी चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या है वो होती रहती है, की जा रही होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही है अपने, तो देखिए इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने तैयार किया है फीमेल फर्टिसाइड। तो ये है फीमेल फर्टिसाइड नामक आर्टिकल। तो सबसे पहले अपन आर्टिकल का जो नाम है वो डालेंगे, और आपको मैंने बताया था कि कैपिटल में लिखना है। ठीक है, तो फीमेल फर्टिसाइड कन्या भ्रूण हत्या बाय रोहित, क्लास 12th। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पूरा प्रेजेंट टेंस में ये, इन इंडिया, भारत में ए गर्ल चाइल्ड किसी भी बालिका को इज कंसिडर्ड। तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस में उठाइए। तो ए गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड, किसी भी बालिका को समझा जाता है, माना जाता है, लाइक ए गॉडेस, किसके समान, एक देवी के समान। ठीक है, सी इज पुट, और ये भी देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस का है, सी इज पुट, उसे रखा जाता है अहेड, आगे, ऑन ईच ऑस्पिशियस ओकेजन, किसी भी शुभ अवसर के ऊपर। ठीक है, इवन यहाँ तक कि सी इज वर्शिप्ड, तो देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस का है, यहाँ तक कि सी इज वर्शिप्ड, उसकी पूजा भी की जाती है ना, इवन का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक कि सी इज वर्शिप्ड, उसकी पूजा भी की जाती है, बट परंतु इन रियल, असल में इट इज नॉट ट्रू, ये बात सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, सही नहीं है। कारण एवरी डे, रोजाना वी फाइंड न्यूज, हम समाचार पाते हैं इन मीडिया, मीडिया में, अखबार, मीडिया का मतलब जितने भी जो समाचार प्रदान करने वाले जो एजेंसीज हैं उनका, उनको बोलते हैं, जैसे उनमें हम देखते हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो आ जाते हैं, इसके साथ साथ ही टीवी चैनल्स वगैरह हैं जितने भी जो न्यूज़ है ना देने वाले। तो वी फाइंड न्यूज़, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य बताइए, वी फाइंड न्यूज़, हम समाचार पाते हैं इन मीडिया, मीडिया में अबाउट फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, काउंटलेस गर्ल्स, असंख्य बालिकाएं आर किल्ड, देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस का लिखा है, आर किल्ड, मार दी जाती हैं इन द वॉम्ब, वॉम्ब्स यानी कि वॉम्ब्स, गर्भ में ही, कोख में ही, ऑफ देयर मदर्स, अपनी माताओं के। ठीक है, तो देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस में चलाया अपन ने। तो एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, काउंटलेस गर्ल्स आर किल्ड, असंख्य बालिकाएं आर किल्ड, मार दी जाती हैं इन द वॉम्स ऑफ दियर मदर्स, अपनी माताओं के गर्भ में ही। दैट्स वाई इसी कारण से इट हैज बिकम, यह बिकम बन गया है एजेंशियल, अति आवश्यक है, टू लॉन्च यानी कि लॉन्च, शुरुआत करने के लिए ए सोशल ड्राइव, एक सामाजिक जो ड्राइव है, अभियान अगेंस्ट द फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। देर आर मैनी, तो देखिए देर का प्रयोग किया अपने यहाँ पे, देर आर मैनी रीजन्स, अनेक रीजन्स हैं, कारण हैं बिहाइंड फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के पीछे। सच है, जैसे कि हम देखते हैं सोशल सामाजिक कारण है, रिलीजियस धार्मिक कारण है, इकोनॉमिकल आर्थिक कारण है, ATC आदि आदि। ठीक है, अब देखो धार्मिक सामाजिक में अपन देखते हैं कि हमारे समाज में जो बालिकाएं हैं उनके साथ दोहरा बर्ताव किया जाता है। आमतौर पर हमारे अड़ोस पड़ोस में देख लेते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं वो अपने बेटों की परवरिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें बढ़िया उच्च शिक्षा प्रदान करवाते हैं। ठीक है,
और इसके साथ साथ उनके खाने खाने का खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बालिकाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। हम कई परिवारों में देखा है, मैंने भी देखा है कि लड़के को तो अच्छे तरीके से घी में रोटी वगैरह चुपड़ के रो देते हैं और बालिका है उसको बेचारी को घी देखने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं कि जो मतलब लोगों के अंदर दिमाग में बैठी हुई हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखिए, सोशल है, रिलीजियस धार्मिक कारण है, ठीक है, इकोनॉमिकल आर्थिक कारण है, एटसेट्रा आदि आदि। ठीक है, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक है, मैनी पीपल, अब देखो बहुत से जो लोग हैं थिंक सोचते हैं दैट कि ओनली ए सन, कि केवल एक बेटा ही होता है ना, टैक्स, तो देखिए यहाँ पर टैक्स ले जाता है देयर नेम, उनके नाम को, फ्रॉम वन जनरेशन, ठीक है, एक पीढ़ी से टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन का मतलब अगली वाली पीढ़ी में। ठीक है, अब सम पीपल कंसिडर, और कुछ लोग हैं कंसिडर करते, मानते हैं दैट द मनी, कि वो पैसा जो कि स्पेंड किया होता है, खर्च किया होता है ऑन ए गर्ल्स ब्रिंगिंग अप, किसी भी बालिका के ब्रिंगिंग अप यानी पालन पोषण के ऊपर एंड एजुकेशन और शिक्षा के ऊपर गोज वेस्ट, वह व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी और बहुत सा पैसा इज आल्सो स्पेंट, वो भी खर्च किया जाता है इन मैरिज, शादी में। ठीक है, दे कंसिडर, और वो मानते हैं ए गर्ल किसी बालिका को एज ए वेल्थ ऑफ अदर्स, किसी दूसरों का धन मानते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हैं, हम कहना चाहें तो गर्ल्स आर कंसिडर्ड, बालिकाओं को कंसिडर किया जाता है, माना जाता है एज ए बर्डन। ठीक है, सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं दैट फीमेल फर्टिसाइड की कन्या भ्रूण हत्या इज ए ब्लैक स्पॉट, एक कलंक या काला धब्बा है ऑन द फॉरहेड, माथे के ऊपर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर, और यह इट इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है फॉर आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए। टुडे आज वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि गर्ल्स आर नो लेस, कि बालिकाएं हैं वो कम नहीं है देन बॉयज, लड़कों के बजाय। ठीक है, सो वी मस्ट नॉट मेक, अतः वी मस्ट नॉट मेक डिफरेंस, अतः हमें अंतर नहीं करना चाहिए बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय, एक बालक और बालिका के मध्य में। द गवर्नमेंट मस्ट, तो देखिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग क्या है, इसलिए कि भाई जरूरी हो गए, तो द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज, सरकार है उसको भी कठोर कानून बनाने चाहिए अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। इफ वी वांट, और यदि हम चाहते हैं टू सेव द कमिंग जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों को बचाना, वी मस्ट सेव गर्ल्स, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बालिकाओं को बचाना ही होगा। ही इज हीरो, कोई भी वह व्यक्ति तब तक नायक है बट विदाउट हर, लेकिन अगर वो नहीं है, बालिका नहीं है, स्त्री नहीं है, ही जीरो, वह क्या है, जीरो है, शून्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि असल में नायक वही होता है जो कि इज्जत करता है। ठीक है, अब रिपीट कर रहे हैं, इंडिया भारत में एक गर्ल चाइल्ड इज कंसिडर्ड, किसी बालिका को माना जाता है लाइक ए गोडेज, एक देवी के समान। सी इज पुट अहेड, उसे आगे रखा जाता है ऑन ईच, प्रत्येक आस्पीसीज यानी शुभ ओकेजन अवसर के ऊपर, इवन यहाँ तक कि सी इज वर्शिप्ड, उसकी पूजा भी की जाती है, बट इन रियल, लेकिन असल में इट इज नॉट ट्रू, ये बात सत्य नहीं है। एवरीडे रोजाना वी फाइंड न्यूज, हम समाचार पाते हैं इन मीडिया में, समाचार पत्र आदि में, अबाउट फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध के बारे में। अब एवरी ईयर, प्रतिवर्ष काउंटलेस गर्ल्स, असंख्य जो बालिकाएं हैं, आर किल्ड, मार दी जाती हैं इन द वॉर्म्स ऑफ दियर मदर्स, अपनी माताओं के गर्भ में ही। दैट इज वाई, इसी कारण से इट हैज़ बिकम एजेंशियल, यह जरूरी हो गया है टू लॉन्च ए सोशल ड्राइव, एक सामाजिक जो आंदोलन है वो चलाना अगेंस्ट द फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध। देर आर मैनी रीजन्स
बिहाइंड फीमेल फर्टिसाइड कन्या भ्रूण हत्या के पीछे अनेक कारण है, सच एज सोशल, जैसे कि सामाजिक है, रिलीजियस धार्मिक है, इकोनॉमिकल है, एटसेट्रा आदि आदि। इन आवर कंट्री, हमारे देश में मैनी पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं दैट ओनली ए सन, कि केवल एक पुत्र ही टैक्स दियर नेम, उनके नेम को लेके जाता है फ्रॉम वन जेनरेशन टू द नेक्स्ट वन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। सम पीपल, और कुछ लोग हैं कंसिडर्ड, मानते हैं दैट द मनी, कि वो पैसा स्पेंड ऑन ए गर्ल्स ब्रिंगिंग अप, किसी बालिका के पालन पोषण के ऊपर एंड एजुकेशन और शिक्षा के ऊपर गोज वेस्ट, व्यर्थ चला जाता है। ए लॉट ऑफ मनी इज ऑल्सो स्पेंट इन मैरिज, और शादी में बहुत सारा धन है वो खर्च किया जाता है। दे कंसिडर, वो मानते हैं ए गर्ल बालिका को एज ए वेल्थ ऑफ अदर्स, दूसरों का धन मानते हैं, यानी पराय धन मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, गर्ल्स आर कंसिडर्ड, बालिकाओं को समझा जाता है एज ए बर्डन, एक बोझ के रूप में। ठीक है, सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स दैट फीमेल फर्टिसाइड, की कन्या भ्रूण हत्या इज ए ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा है ऑन द फोरहेड, माथे के ऊपर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के, या यूं कह सकते हैं कि हमारे समाज के माथे के ऊपर कलंक है। इट इज नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर, ये हमारे भविष्य के लिए उचित नहीं है। टुडे वर्तमान में वी फाइंड दैट, हम पाते हैं गर्ल्स आर नो लेस, कि बालिकाएं कम नहीं हैं देन बॉयज, लड़कों की बजाय। सो वी मस्ट नॉट मेक डिफरेंस, अतः हमें अंतर नहीं करना चाहिए बिटवीन ए गर्ल, किसी बालिका एंड ए बॉय, और बालक के मध्य में। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज, और जो सरकार है उसे भी कठोर कानून बनाने चाहिए अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध। ए वी वांट, और दोस्तों अंत में ये कहना चाहूँगा मैं, ए वी वांट टू सेव द कमिंग जनरेशंस, यदि हम आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, वी मस्ट सेव गर्ल्स, तो हमें बालिकाओं को बचाना ही पड़ेगा। ही इज हीरो बट विदाउट हर ही जीरो, तो अंत में ये कहा जा सकता है कि कोई भी पुरुष तभी तक नायक है जब तक क्या है, नायिका है, स्त्री है। धन्यवाद।